श्रीमाता शरण मम श्री अरविंद शरण मम समस्त अपा भाई मानू मोर प्रणाम। आज एक विषय होउछि समर्पण। समर्पण कौन? आमे भविष्यतर मनीषर यात्रा पथर प्रस्तुति पर्व शेष करिछु। आमे चैत्य जागरण संबंधी आलोचना करिछु। आमे एही दुरूह पथरे शेष पर्यंत चलिबार दृढ़ संकल्प नेइछु। एथि निमन्ते आमे माँ श्री अरविंदंकु गुरु भावरे ग्रहण करिछु, जे कि आम्भमानंकु आम अंतरर परिचालना करुछन्ते। तथापि आमे एबे बि अक्षम ओ अधम, बेले बेले निम्न प्रकृतिर जुआर आसी आमको भसाई नेबी जीवार भय देखाउछि। काम क्रोध लोभ मोह माया हातरु एबे बि आमे मुक्त होइ पारिनाहु, एहि सब रूपांतर होइ पारु नाही। एपरि अवस्था रे आमे कोन करिवु? एथिपाई आमको असल साधना आरंभ करिबाकु पड़िब। निम्न प्रकृतिर कबळरे पड़ि आमे जेते तळको खसिगले मध्य आमे आउ साधारण जीवन पथकु फेरी जीवु नाही। विरोधिनी शक्ति आमको तळको टाणी जेते भी प्ररोचना देउना काहेकि तू पापी अधम दुराचार, तो द्वारा रूपांतर काम होई पारिबो नाही, तो भितरे शक्ति नाही एही पापको काटी उपरको उठिबा पाहि। एही सब मंत्रणारे आमे अधीर हेबा उचित नुहे। आमर संकल्पकु आहुरी दृढ़ करि आगकु चालिबाकु हेबो। पूज्य बाबाजी महाराज कहुछन्ति, मनुष्य जेते बड़ पापी अपराधी होइथाउ सेथिरे किछि जाय आस नाही, किंतु से जदि भगवानंक प्रति उन्मुक्त हुए भगवानंक प्राप्त करिबाकु चाहे तेबे भगवान तार दोष त्रुटि को न देखि ताकु शरणरे नेइ नियंति आउ ताकु सहाय्य करन्ति। से भगवानंक कृपा शक्तिर आश्रयरे क्रमशः दोष त्रुटिरु मुक्त होइ भक्त होइ जाए। से आहुरी कहुछन्ति, भगवानंक आगमनर रास्ता खोलिबा सकाशे जदि मनुष्यर सामर्थ्य न थाए तेबे भी भगवान अपेक्षा करि ता द्वाररे छिड़ा होइ रहन्ति। रास्ता खोलिबा लागि साहाज्य पाएं जदि से डाके तेबे भगवान अविलंबे दौड़ी जाए साहाज्य करंती। मनुष्य जदि न चाहे तेबे से वर्ष वर्ष धरि ता द्वाररे अपेक्षा करि छिड़ा होइ रहन्ति। एही हेले करुणामय भगवान। भक्तर अक्षमता देखि ताकु कठिन साधना पथरे न नेइ सहज पथ देखाई दियन्ति। जेमिति गीतारे श्रीकृष्ण अर्जुन को समस्त ज्ञानर कथा कही सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापभ्य मोक्षयामि मोक्षयिष्यामि मा शुचः, समस्त साधनार कथा कही शेषरे साधनार अति सरल मार्ग देखाइ कहुछन्ति, सबु धर्म त्याग करी केवल मो शरणरे आसी जाओ, मु तुमर समस्त पाप खंडन करी तुमको मोक्ष प्रदान करिवि, एथिरे कोनोसी संदेह नाही। ठीक से ही परी जगत जननी श्री माँ ए पृथ्वी को आसी कहुछन्ति, तुम्हें सर्वदा मो बाहु छाया तले रहिछ ओ तुमको आराम देबा पाई, तुमको सुरक्षित देबा पाई रखिबा पाई, तुमको शक्तिशाली करिबा पाई एवं ज्ञान दीप्त करिबा पाई मु तुमको सबबेले मो हृदयर निकटतम करि रखिछि। एक मुहूर्त पाई मध्य मु तुमको छाड़े नाही एवं मु निश्चिंत जे तुम्हें जदि टिकिए सचेतन हुओ तेबे तुम्हें तुम कांध चारिपाखे मो हाथर उष्णता अनुभव करिपारिब। से पुणी कहुछन्ति, सर्वदा मो हृदय रे बसा भांदी रुह, जहाँ तुमको स्वागत जणाइबा पाई सदा प्रस्तुत, मोर बाहु तुमको कोलाग्रत करिबा पाई सर्वदा प्रस्तुत, कौनसी बाधा विघ्न को भय कर नाही, आमे से सबको अवश्य दूरीभूत करिबु। कुहा होइछि केवल भगवानंक नाम नेले जेते पाप खंडन होइ जाय पारे सेतिकि पाप जणे करिपारिब नाही। अजामिल जे कि महापापी थिला से तार पुओर नाम नारायण रखी मृत्यु समय रे नारायण बोली ता पुओ को डाकिथिला। एही नामर प्रभाव रे तार समस्त पाप खंडन होई जाइथिला। गिरीश घोष जे कि मदुआ माताल ओ स्त्री आसक्त थिले तांकु श्री रामकृष्ण ग्रहण करिथिले। जेतेबेले तांकु पचरा गला तुमे काहेकि एपरि अधम पापी को शिष्य रूपे ग्रहण कर, उत्तर रे से कहिथिले एथिरे किछि जाय आसे नाही, तुमे जाई देख। जेतेबेले से माँकर प्रार्थना गान करे सेतेबेले ता आखिर लुह बाहरे कि नाही, जदि बाहर थाए तेबे से मोर प्रिय शिष्य हेबा पई उपयुक्त। प्रकृतरे आमर अतीतर समस्त दोष त्रुटि ओ पाप पई आमे जदि भगवानक निकटरे भक्ति रे बुड़ी जाई दुई टपा लुह गोड़ाई पारु तेबे से आमको तत्क्षणात ग्रहणाग्रत करंती, आमर समस्त पाप खंडन करंती। भगवान हेले भक्ति रे बंधा, श्रद्धा ओ भक्ति द्वारा आमे तांकर अंतरंग होई पारिथाउ।
ଅତୀତ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ମଣିଷକୁ ଏହି ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଓ ଅବତାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଆଜିର ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭୟବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧନା ସେ କରିଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ହେଲା ସାଧନାର ସହଜ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସମର୍ପଣରେ ଓ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ସମର୍ପଣରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସାଧନାର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧନା କରିବା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଶିଶୁ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବିରାଡ଼ି ଶିଶୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଶିଶୁ ତା'ର ମାଆକୁ ଜାପୁଡ଼ି ଧରେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଡ଼ି ଶିଶୁର ମା ତାକୁ ନିଜେ କାମୁଡ଼ି ବହନ କରି ଚାଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ଶିଶୁ ନା ବିରାଡ଼ି ଶିଶୁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମୋର ସାଧନାର ଯେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲି ତାହା ହେଲା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରାଡ଼ି ଶିଶୁର କଳ୍ପନା ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ। ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ତା'ର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଭାବେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର କରି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ସାଧନାର ସହଜ ପଥ ଦେଖାଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସାଧନା ପାଇଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ଲଗାଇ ପୂଜାପାଠର ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନାଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଧୂନି ଜାଳି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ଓ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତରରେ ମାଆଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ ନିଜକୁ ବର୍ମାବୃତ କରି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଅଫିସରେ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ, ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉପକରଣ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଗ ସାର୍ବଜନୀନ, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଓ ମହାନ। ଏହି ଯୋଗ ପାଇଁ କେବଳ ତିନୋଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆସ୍ପୃହା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସମର୍ପଣ। ଏହା ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୋଗ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଓ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚାହିଁବାକୁ ହେବ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଲା ଆସ୍ପୃହା। ଭଗବାନଙ୍କ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ସେସବୁକୁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେବଳ ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏହା ସର୍ବଦା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ୱୟଂ ମାଆ ନିଜେ ହିଁ ଏସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ସାଧକ ଏହିସବୁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଣିଷ ଜାତିର ସମସ୍ତ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ନିଜେ ବରଣ କରି ସେସବୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗ ନ କରିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଗତିଧାରାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଶରୀରର ଅନୁଭୂତି ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବି। ଯେହେତୁ ମୋ ଶରୀର ଚେତନାର କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ ଓ ଏହା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଚାପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହଜତର ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଯଦି ଆମର ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଥାଉ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ବସ୍ତୁ ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ନ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପ୍ରାଣର ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେଥର ଏହା ଉପରକୁ ଉଠେ। ତୁମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଲାଗି ରୁହ
तेबे एहा अधिकरु अधिक तार शक्ति हराई थाए ओ अपसरी जाय थाए। श्री अरविंद आहुरी मध्य कहिछन्ति, ए पृथ्वी से पर्यंत तुमको विव्रत करिबो जे पर्यंत तुमर कोनोसी अंश एहा सहित जड़ित अछि। जदि तुम्हें पूर्ण रूपे भगवानंकर होइ जाओ तेबे जाई तुम्हें पूर्ण मुक्त होइथाओ। प्रत्याख्यान परे आमको सिखिबाकु हेबो आमको किपरि समर्पण करिबाकु हेबो। जदि आत्मसमर्पण नाही तेबे संपूर्ण सत्तार रूपांतर होइ पारे नाही। आत्मसमर्पण एते सहज नुहे, आम प्रकृतिर विशाल अंश यार प्रतिवाद करंती। जदि मन समर्पण पाई निश्चित करे तेबे आम भीतर लुचि रहिथिबा समस्त बाधा निजकु प्रकाश करिबाकु बाध्य होंती। सेतेबेले साधक ए सबको निरीक्षण करी सेमानंक ठारु निजकु पृथक रखिबाकु हेबो ओ निज प्रकृतिरु से सबको प्रत्याख्यान करिबाकु अतिक्रम करिबाकु हेबो। एथिपाई अवश्य अनेक समय लागिपारे किंतु एहा करिबाकु ही पड़िबो। पुणि श्री अरविंद कहुछन्ति, पूर्ण समर्पण अल्प समय भितरे संभव हुए नाही। पूर्ण समर्पण अर्थ हैला सत्तार प्रत्येक अंशरु अहंग्र गंठी को काटी एहाकु मुक्त और व्यापक भावे भगवानंकु देइ देबा। मन प्राण शरीर चेतना को गोटिक परे गोटिए अलगा अलगा भावे समर्पण करिबाकु हेबो। एसबु तांकर निजर धारा को छाड़ी केवल भगवानंकर धारा को ग्रहण करिबाकु हेबो। केतेक साधक समर्पण नामरे एक प्रकार तामसिक समर्पण करिथांति, सबकिछि भगवान करुछंति बोली बाहाना करी निजकु निम्न प्रकृति हातरे छाड़ी देइथांति। जे पर्यंत आमर आसक्ति रहिथिबो, जे पर्यंत कामना बासना रहिथिबो, से पर्यंत पूर्ण समर्पण होइपारे नाही। आम सत्तारे एक अंश समर्पण कले अन्य अंश एथिरे विरोध करे। आम भितरे एही जो टणा अटरा लागे एथिपाई आम भितरे एक प्रकार आंतर युद्ध लागि रहे। आम भितरे एक असामंजस्य सृष्टि हुए जहाँ दूर होबा खाली समय सापेक्ष नुहे, एहा आमर स्वास्थ्यर मध्य हानिकारक होइथाय। तेणु अधिकांश साधक कठिन रोग भोग करंती। एथिरु मुक्त हेबार एवं आम साधनार एही असमंजसता को दूर करिबार एकमात्र उपाय हेला आमर सकल सत्तारे समर्पण सिखिबाकु पड़िबो। मनीष भितरे साधारणत चारोटी प्रार्थना प्रधान सत्ता रहिछि, सेमाने हेले चैत्य सत्ता, मन ओ प्राण ओ शरीर चेतना। जेपरी आम समाजरे चारि जाति रहिछि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओ शूद्र, ठीक सेहीपरी आम भितरे एही चारि जातिर सत्ता रहिछन्ति। चैत्य सत्ता हेले ब्राह्मण, से सर्वदा भगवानंक सहित एक हुई रहिछन्ति। मन हेला वैश्य बा व्यवसायी, से सर्वदा लाभ क्षति विचार करे, केते देले केते पाइबी एही हेला थार चिंतार विषय। किछि न पाइले से किछि देबाकु चाहे नाही। आमर प्राणसत्ता हेला क्षत्रिय, जे कोनोसी काम पाई से उत्साह प्रेरणा जोगाई सर्वदा आगेई चले, से हेला योद्धा ओ से विपद को भय करे नाही। किंतु तार असल दुर्बलता हेला एसबुर प्रतिदान रे से तार भोग्य वस्तुर आस्वादन चाहे। ताकु जदि लगाम लगाई बाट को अणा जाए तेबे साधना पथरे से एक मस्त बड़ यंत्र होइ उठे। शेषरे आम शरीर हेला शूद्र अर्थात सेवक, अन्य तीन सत्तांकर सेवा करिबा पई से सदा सर्वदा प्रस्तुत। तार निज इच्छा बा आकांक्षा किछि नाही, से निजर अनिष्ट हेले मध्य भृत्य बळी तार प्रभुंकर आदेश मानि नै थाए। प्राण तार लोभयुक्त बासना पूरण पई जेते बळे गुडाए खाइबाकु चाहे सेते बळे शरीर एथिरे बाधा देई पारे नाही। ताको निरवरे खाद्य गिळिबाकु पड़े एवं शेषरे असुस्थ होइ पड़े। एहीपरि भावरे आमर प्रत्येक सत्तांको यथार्थ भावे चिन्हि पारिले आमर समर्पण काम आरंभ होइथाए। समर्पण हेला एक यज्ञ, एही यज्ञर ब्राह्मण हेले आमर चैत्य सत्ता। से तांकर आस्पृहा रूपक अग्नि द्वारा सदा सर्वदा आम भितरे समर्पणर यज्ञ करुछन्ति। से जुग जुग धरी जन्म जन्मांतर धरी एही यज्ञ करी सर्वदा व्यक्तिर अन्य सत्तामानंकु आमंत्रण करुछन्ति एही महायज्ञरे भाग नेबा पाई। आमर मन प्राण शरीर जेतेबेले एकत्रित होई एही यज्ञ निकटरे बसंती एवं चैत्य सत्तांक साहाजरे निजकु एही अग्निकुंडरे आहुति दियंती, सेतेबेले जाई आमर समर्पण पूर्णांग हुए।
आम सत्ता मानंकर जहा किछि अदिव्य होई रहिछि सेई सबको एही यज्ञ कुंडरे निक्षेप करिबाकु हेबो एवं एमाने पोड़ी जळी तांकर समस्त विकृति लोप पाई दिव्यता प्राप्त हेबे। भगवान को समर्पण कले किछि कमी भी जाए नाही, बरम सबु किछि पूर्ण होइथाय। श्री अरविंद कहिछन्ति स्वयं भगवान निजको सेही मानंकु देइ दियन्ति जेउ माने निजर बोली किछि न रखी सेमानकर सबु किछि को भगवानंकु अर्पण करिथान्ति। केतेक साधक अछन्ति जेउ माने प्राणर आवेग को एपरि दमन करि रखिथान्ति जे तांक भितरे प्राणर संवेदन मध्य निर्वापित होइ जाए, सबु शुष्क होइ निरस होइ जाए, सेमानंक द्वारा पूर्णांग जोग हुए नाही। आउ केतेक साधक अछन्ति जेउ माने शरीर विकास पई अवहेला करन्ति, मनरे भगवानंक विषयरे पूर्ण ज्ञान थिबा सत्वे शरीर विषयरे खूब कम ज्ञान थाए, जहाद्वारा शरीर को निश्चेतनार मुक्त करी उपरकु उठाइबा बदलरे ताकु रोग जंत्रणा ओ तामसिकतारे बुडी जिबा पई छाडी दियन्ति। मा श्री अरविंदंकर असल काम हैला जड़ उपरे अर्थात शरीर उपरे। जो माने यार अवहेला करछन्ते सेमाने माँ श्री अरविंदंक जोग एबे भी बुझी नाहंती। आमर सकल सत्तारे सर्वांगीन विकास दरकार, प्रत्येक सत्तार रूपांतर दरकार, एथिपाई सकल सत्तार समर्पण दरकार। साधना पथरे पड़गले मध्य भगवान आमको छाड़ी जाती ना, आम भितर सत्ता माने जिते थर भगवान दिगरु मुख फेर विपथगामी होगा चाहती सेत थर ताक बाट को आनी माँ को समर्पण करने को हे। समर्पणर सहज उपाय हैला आमे जदि आम चैत्य सत्तांक सहित संपर्कित हेउ, आमे जदि आम साधनार भार तांकु अर्पण करू, से आमको निर्द्वंद्वरे निर्भयतार सह रूपांतरर एही बंधुर पथरे नेइ जांती। तांक प्रभावरे आम सकल सत्तारे एपरि एक शांति प्रेम विश्वास भक्ति निर्भरता बढ़ी उठे, जहाद्वारा आमे केबे भी भगवानंक छड़ा आउ किछि भी चाहि नथाउ। सेही शेषरे आमे समर्पणर यज्ञर पूर्णाहुति दियन्ति, एही यज्ञकु साफल्य मंडित करन्ति। श्री अरविंद कहुछन्ति पूर्ण समर्पणर अनुभूति केवल ध्यान समयरे हेले चलिबो नाही, किंतु एहा समग्र जीवन सकल चिंता अनुभूति और कर्म को शासन कला भली एक कथा हेबा उचित, जे से पर्यंत निजर इच्छा और प्रचेष्टा दरकार होइथाय। समर्पण पई नाम जप और प्रार्थना विशेष सहायक होइथाय। आमे सांसारिक वस्तु घटना चिंता आदि चेतना को काढ़ी आनी केवल भगवान को मनन और चिंतन करिपारिले स्वाभाविक भाव आमर समर्पण होइथाय। निजकु शिशु मनेकरी दुई हाथ तोली माँ कोल को जीवाक चाहिले ताहा सर्वोत्तम समर्पण होइथाय। समर्पण पई आमर किपरि भाव हेबा उचित ए विषय रे श्री अरविंद कहुचंती आंतर समर्पणर केन्द्रीय कथा हैला भगवानंक उपरे पूर्ण निर्भरता ओ विश्वास। एथिपई जणे एपरि मनोभाव रखिपारे मु केवल भगवानंक छोडा आउ किछि भी चाहे नाही, मु निजकु समग्र भावे तांकु देई देबाकु चाहे, एवं जेहेतु मोर आत्मा एहा चाहिछि मु निश्चय भगवानंक दर्शन उपलब्धि करिबि, मु ता छोडा किछि आउ किछि चाहे नाही, चाहे मो भितरे तांकर क्रिया जहां मते तांकरि दिगरे नेइ जीव, तांकरि क्रिया ताहा गुप्त हेउ बा व्यक्त हेउ, प्रच्छन्न हेउ बा प्रकाश्य हेउ, मु मोर निजस्व समय बा धारा उपरे गुरुत्व देबि नाही, सबकिछि से तांकर समय ओ तांकरि धारारे करन्तु, मु तांक उपरे पूर्ण विश्वास रखिबि, तांकर इच्छा को ग्रहण करिबि, तांकरि ज्योति तांकरि उपस्थिति ओ आनंद को लाभ करिबा पई निरंतर आस्पृहा करिबि, एवं समस्त बाधा विघ्न ओ विलंबर मध्य देइ तांक उपरे भरोसा रखि आगेइ चलिबि ओ ए पथरु केबे भी विच्युत हेबि नाही। मोर मन शांत होइ तांक उपरे आस्था रखु ओ से एहाकु आलोकर दिगरे खोलि धरन्तु। मोर प्राण शांत होइ केवल तांक आडकु मुख करु ओ से ताकु शांति ओ आनंद पई खोलि धरन्तु। सबु किछि तांकरि पई ओ मु मध्य तांकरि पई, जहाँ भी हेउना काहेकि मु एही आस्पृहा ओ आत्मसमर्पण बजाय रखि तांक उपरे पूर्ण निर्भरता रखिबि एवं सफलता निश्चय आसिब। श्री माँ तांकर ध्यान ओ प्रार्थना बहिरे किपरि भगवानंकु समर्पण कराए ताहा निजे करि मनीष जाति को दर्शाइछन्ति। तांकर समर्पणर सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना हैला राधांक प्रार्थना, ताहा तले दिया गला
ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ମୋ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଓ ମୋର ଭଗବାନ ଭାବରେ ଜାଣିଲି, ତୁମେ ମୋର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମେ ହେଲ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାବନା, ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ବେଦନା, ମୋ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଭାବ, ମୋର ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ, ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି, ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ। ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମରି, ତୁମ ସବୁକିଛି ତୁମେ, ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଚାହୁଁ ମୁଁ ତାହା ହେବି। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ବାଛିଦେବ, ଜୀବନ ହେଉ ବା ମୃତ୍ୟୁ, ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହା ସବୁ ତୁମ ପାଖରୁ ଆସେ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତୁମଠାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପହାର ସର୍ବଦା ଭଗବତ ଉପହାର ରୂପେ ମୋ ପାଇଁ ପରମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଣାମ।